हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। हम बात करने वाले दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप एंड डीएसके स्मॉल कैप फंड के बारे में। अभी हमारा स्मॉल कैप का सीरीज थोड़ा सा खत्म होने को आ चुका है दोस्तों, तो अभी हम मिड कैप फ्लेक्सी कैप की तरफ जाएंगे। मिड कैप और फ्लेक्सी टाइप की हम म्यूचुअल फंड एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। अभी उसमें से भी कौन सा टॉप है उसके साथ बाकी के सभी कंपेयर करेंगे दोस्तों। और एक तो आपने देख ही लिया है, पराग पारेख और यूटीआई फ्लेक्सी कैप का, दोनों का वीडियो मैंने डाला था कंपेरिजन का, तो वो भी आप देख सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। और अभी आज के दिन हम बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप और डीएसपी स्मॉल कैप के बारे में। तो अभी देखिए दोनों का कंपैरिजन है, एसबीआई का 4 स्टार रेटिंग और डीएसपी का 2 स्टार रेटिंग है दोस्तों। और दोनों स्मॉल कैप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। और एसबीआई का 9th नंबर का रैंकिंग है और डीएसपी का 14th नंबर का रैंकिंग है दोस्तों, ईटी मनी रैंकिंग है दोस्तों। और अभी देखिए फंड का एज देखिए, एसबीआई का 10 साल 4 महीने और इसका भी 10 साल 4 महीने। और अभी फंड साइज देखिए, ईवीएम एसबीआई का है 16,592 करोड़ का ईवीएम है और डीएसपी स्मॉल कैप है 9,400 करोड़ का ईवीएम है दोस्तों। जबरदस्त ईवीएम है दोनों का, दोनों के पास भी। और दोनों फंड को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं आप देख सकते हो, और दोनों के पास अच्छा खासा फंड साइज है। और अभी रिटर्न देखिए दोस्तों, 3 मंथ में एसबीआई दे रहा है 4.7% के रिटर्न और डीएसपी दे रहा है 5.6% के रिटर्न। 6 महीने में दे रहा है एसबीआई 2%, डीएसपी दे रहा है 4.8%। 1 साल में देखिए एसबीआई दे रहा है लगभग 22% के रिटर्न और डीएसपी दे रहा है 16.3% के रिटर्न। 3 साल में देखिए एसबीआई दे रहा है 3 साल में देखिए दोस्तों एसबीआई दे रहा है 40.83% के रिटर्न और वहीं पे डीएसपी दे रहा है 43% के रिटर्न। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 साल में डीएसपी स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न दे रहा है। अभी 5 साल में देखिए एसबीआई दे रहा है 16.3% के रिटर्न, डीएसपी दे रहा है 13.64% के रिटर्न। तो 3 साल के रिटर्न में आगे दोस्तों डीएसपी एसबीआई से, और 5 साल जाओगे तो एसबीआई आगे डीएसपी से। तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है दोस्तों। आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आप आराम से इन्वेस्ट करते रहिए, आप यहाँ से उधर उधर से इधर ऐसे स्विच मत करते रहिए। आपको लग रहा है नहीं ये भी फंड अच्छा कर रहा है तो आप इसमें भी थोड़ा सा पैसा डाल दीजिए, ऐसा कर सकते हो आप, मगर स्विच मत कीजिए बार बार। स्विच करोगे तो आपको रिटर्न नहीं दिखेंगे दोस्तों। और अभी देखिए पोर्टफोलियो, दोनों की पोर्टफोलियो में टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं। एसबीआई में देखिए सर्विसेज, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स, और डीएसपी में देखिए मटेरियल, केमिकल और कंज्यूमर। तो दोनों में थोड़ा सा, दोनों के सेक्टर अलग अलग है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों ने अलग अलग सेक्टर पकड़े। और टॉप 5 स्टॉक देखिए दोनों के अलग अलग ही होंगे। अभी देखिए निफ्टी 50 के स्टॉक ऐड किए उन्होंने, ब्लू स्टार, त्रिवेणी टर्बाइन, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल और कल्पतरु पावर, एसबीआई स्मॉल कैप। और अभी डीएसपी के देखिए साइंट लिमिटेड, सुपराजित इंजीनियरिंग, रत्नमणि मेटल, त्रिवेणी टर्बाइन और केपीआर मिल्स। त्रिवेणी टर्बाइन दोनों में सेम आ गया दोस्तों, आप देख सकते हो दोनों में टॉप 5 में त्रिवेणी टर्बाइन को ऐड किया है दोस्तों। तो ऐसे भी आप पोर्टफोलियो बना सकते हो दोस्तों, ऐसे इनका पोर्टफोलियो एनालिसिस करके कुछ चुनिंदा स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है इतना हेवीली तो कंपनी तो अच्छी होगी ही होगी दोस्तों। और अभी देखिए नेक्स्ट फंड के डिटेल देखिए थोड़े से। एक्सपेंस रेशियो 0.7% एसबीआई का, डीएसपी का 0.95%। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है, एग्जिट लोड दोनों का 1%, कोई लॉक इन नहीं है। और एसबीआई में आप मिनिमम 500 से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, और अभी डीएसपी में देखिए एसआईपी 500 और लमसम भी 500 से आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे। और अभी देखिए एसबीआई दे रहा है 3 साल में 40.5% के रिटर्न। अगर कल परसों की वीडियो देखोगे मार्केट भाग रहा है दोस्तों अभी, तो अभी कल परसों का वीडियो देखोगे तो 3 साल में एसबीआई के रिटर्न 39 समथिंग आ गए थे कुछ, तो मैं 40% पकड़ रहा था। अभी देखिए 40.5% हो गया दोस्तों, तो मार्केट भाग रहा है अभी, इसलिए आपको रिटर्न भी ज्यादा दिखेंगे दोस्तों। अभी 3 साल में 40.5% के रिटर्न दे रहा है एसबीआई, 5 साल में लगभग 16%, और अभी ऑल टाइम देखोगे तो 25% को क्रॉस कर दिया दोस्तों। 24 समथिंग थे उनके रिटर्न, अभी 25% को क्लोज कर क्रॉस कर दिया, 25.04%। तो 25% के भी आगे निकल चुका है अभी एसबीआई स्मॉल कैप 10 साल में। और अभी देखिए एसबीआई का ईवीएम है लगभग 16,500 करोड़ का, लगभग इक्विटी में इन्होंने 95% इन्वेस्ट किया है, 94.7%, और कैश बचा है 5.3%। इक्विटी सेक्टर अलॉट देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐसे 4 स्टॉक पकड़े, 4 सेक्टर, और उसमें इन्होंने हेविली इन्वेस्ट किया, आप देख सकते हो 4 सेक्टर इनके टॉप इन्वेस्टमेंट है, और बाकी में भी है थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट। अब देखिए अभी सर्विसेज 17.9%, कैपिटल गुड्स 16.4%, कंज्यूमर 15.5%, केमिकल 11.2%, ये टॉप 4 सेक्टर है दोस्तों। और बाकी की जो भी है 10% के नीचे इन्वेस्टमेंट है इनकी, मेटल एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अदर, फाइनेंशियल और कंज्यूमर स्टेपल में, आप देख सकते हो। ऐसे इन्होंने बाकी के 5 सेक्टर पकड़े। और अभी देखिए इनकी होल्डिंग में लगभग 54 स्टॉक्स है दोस्तों, और में से टॉप 10 देखिए। अभी टॉप 5 तो हमने देख लिया, ब्लू स्टार, त्रिवेणी टर्बाइन, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, कल्पतरु पावर और इल्गी इक्विपमेंट, ये टॉप 5 स्टॉक है दोस्तों इनके। और अभी बाकी के 5 देखिए, वेदांत फैशन, लेमन ट्री, वी गार्ड, टीटीके प्रेस्टीज और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को इन्होंने ऐड किया दोस्तों टॉप 10 में। तो अभी उनके देखते हैं डीएसपी के, डीएसपी का रिटर्न देखिए 3 साल का 42.87%। डीएसपी और भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है दोस्तों 3 साल में, मगर 5 साल में जाओगे तो आप 13.5% के, तो लॉन्ग टर्म का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उनका। और ऑल टाइम देखोगे तो लगभग 21% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों, और एसबीआई
लगभग 25% के रिटर्न दे रहा है, तो 4% का डिफरेंस है दोस्तों। और लॉन्ग टर्म में 4% बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। और अभी देखिए इक्विटी इनका 9,400 करोड़ का एवीएम है दोस्तों, उसमें से लगभग 95.3% इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया और 4.7% कैश बचाया अभी भी। और अभी देखिए इन्होंने तो एक सेक्टर में ही हेविली इन्वेस्टमेंट की है, बाकी सभी सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा डाला है। तो टॉप सेक्टर कौन सा इनका, केमिकल, 22.5% लगभग उन्होंने केमिकल में लगाया अपने एवीएम का, और 10% कंज्यूमर स्टेबल में, और बाकी जो भी है 10% के नीचे, अदर सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, मेटल एंड माइनिंग, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल और टेक्सटाइल में भी इन्होंने पैसा डाला है दोस्तों। तो इन्होंने बहुत सारे सेक्टर डाइवर्सिफाई कर दिया अपने पोर्टफोलियो को, सभी का डाइवर्सिफाई रहता है, मगर सेक्टर भी ज्यादा पकड़े इन्होंने। और स्टॉक्स देखिए होल्डिंग में लगभग 72 स्टॉक्स है दोस्तों। और अभी देखिए टॉप 10 और आगे भी कुछ देखेंगे हम। टॉप 10 देखिए अभी साइंट फर्स्ट स्टॉक, सुप्राजित इंजीनियरिंग, रत्नमणि मेटल, त्रिवेणी टर्बाइन और केपीआर मिल, ये टॉप 5 तो देख लिया हमने। अभी आगे की देखिए चंबल फर्टिलाइजर, नीलकमल, अतुल लिमिटेड, इपका लेबोरेटरीज और ला ओपाला आरजी लिमिटेड को इन्होंने टॉप 10 में जगह दी है दोस्तों। बाकी भी देखिए आप, ईक्लर्क्स, जीएचसीएल, एपीएल अपोलो ट्यूब, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, शॉपर्स स्टॉप, मेओल टेक पैकेजिंग, मनप्पुरम फाइनेंस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, कजारिया सिरेमिक, सफारिया, डीसीबी बैंक, शीला फोम, ऐसे स्टॉक इन्होंने ऐड किए दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों दोनों का लास्ट पॉइंट, दोनों का रिटर्न का कंपैरिजन यहाँ पे चार्ट पे आप देखिए, यहाँ पे चार्ट भी अवेलेबल है यहाँ पे। और एक साल का रिटर्न देखिए, अभी एसबीआई दे रहा है एक साल में 18.97% के रिटर्न, और डीएसपी दे रहा है 14.93% के रिटर्न, लगभग 15% के दे रहा है यहाँ पे एक साल में। एसबीआई दे रहा है 103% के रिटर्न और डीएसपी दे रहा है 94% के रिटर्न। अब देखिए चार्ट पैटर्न देखोगे तो ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता दोस्तों, बड़ा डिफरेंस बस थोड़ा 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 आप देख सकते हो यहाँ पे, कोई शेयर किसी का आगे चला जाता है, किसी का पीछे रह जाता है, तो इसी की वजह से थोड़े से रिटर्न आपको अप एंड डाउन दिखते रहते हैं। और अभी लॉन्ग टर्म का मैक्सिमम देखोगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एसबीआई दे रहा है 789% के रिटर्न और डीएसपी दे रहा है 606% के रिटर्न। तो लॉन्ग टर्म में देखोगे तो भी दोनों में रिटर्न का डिफरेंस है। आप सीएजीआर रिटर्न देखो या अदरवाइज ऐसे रिटर्न देखो चार्ट पे, दोनों में आपको डिफरेंस जरूर दिखेगा। तो स्टॉक सिलेक्शन का रहता है दोस्तों, किसी का कौन सा शेयर कब भाग जाएगा ये किसी को नहीं पता रहता दोस्तों, तो इसकी वजह से हमें पता नहीं रहता कि आगे चल के लॉन्ग टर्म में कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न देगा। तो इसलिए आप जिसमें भी इन्वेस्टेड है उसमें इन्वेस्ट करते रहिए, कौन सा कब कितने रिटर्न देके चला जाएगा म्यूचुअल फंड पता नहीं रहता है। तो जो भी हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं, थोड़ा सा आप जो टॉप में चल रहा है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, जो मीडियम रिटर्न दे रहा है उसमें भी इन्वेस्ट कीजिए, और जो दो नंबर पे तीन नंबर पे है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।